हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ मसाला अंडे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह से आप अंडे बनाकर किसी भी मेहमान को खिलाएंगे तो वो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। जिसे भूख नहीं रहेगी फिर भी वो चार रोटी ज़रूर खा लेगा। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम तेल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अब हम बारीक कटी हुई प्याज डालकर उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ मैंने दो बड़ी साइज की प्याज अच्छी तरह बारीक कट कर लिया, इसे डालकर हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारी भून चुकी है। अब उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने अदरक लहसुन को दरदरा कूट लिया है, इसे ऐड करके इसे भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी प्याज और लहसुन अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर, यहाँ मैंने दो बड़े साइज के टमाटर बारीक कट कर लिए, उसे डालकर उसे भी हम गलने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे जिससे हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर सॉफ्ट होना चालू हो गए, इसे हमें अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारी टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अगर आप इसमें टमाटर कट करके नहीं डालना चाहते तो आप टमाटर की प्यूरी डाल सकते हैं जिससे मसाले जल्दी से भून जाएंगे। देख सकते हैं हमारी टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैं दो छोटी चम्मच धनिया का पाउडर ऐड कर दूँगी, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है इसलिए मैं यहाँ पर दो चम्मच डाल रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं बिरयानी मसाला भी ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप ये डाल सकते हैं वरना अवॉइड करें। इससे फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं तो इसे डालती हूँ। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमें मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें मैंने पानी डालकर इसे अब अच्छी तरह से हम भून लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले हमारी अच्छी तरह से भून गई है, साइड से तेल भी आ गई है, मतलब हमारे मसाले अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम अंडे फोड़कर डालेंगे। इस तरह से हमें अंडे फोड़कर इसमें डाल देंगे। इस तरह से मैंने इसमें सारे अंडे फोड़कर डाल दिए। अब इसे हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे हम ढककर लो फ्लेम पर अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे अंडे पक रहे हैं। इसे हमें अच्छी तरह 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है। आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए और हमारे अंडे अभी कुछ इस तरह से हो गई है। इसे हमें बिल्कुल एकदम ड्राई करना है।
अभी इसे 5 मिनट के लिए हम खुले में पका लेंगे। इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा मसाला अंडा फ्राई। अब इसे हम निकाल कर सर्व कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू।